हेलमेट पेन, हेलमेट पेन, इसको इसको फाइन लगाओ, इसका नंबर क्या है? तो फाइनली जो तीसरा आदमी है, सनराइज तो इधर ही हो गया। वेल हेलो, हाय, कैसे काय बरा हिमिया हेरो वन एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप लोगों का इस नए व्लॉग में। तो जैसा कि अभी टाइम हो रहा है 7:22 और मैं बहुत ज्यादा लेट हो चुका हूँ। इसका कुछ करना पड़ेगा यार, ये पंक्चुअलिटी का लेसन मुझे वापस लेना पड़ेगा स्कूल जाके। आइडिया क्या था ना कि हम लोग अभी कर रहे हैं एक ब्रेकफास्ट राइड और मुझे वहाँ पे पहुँचना था 6:00 और अभी टाइम हो रहा है 7:30, इसलिए मुझे घर पे इंट्रो शूट करने का टाइम मिला नहीं, इसलिए आज इंट्रो हमने बाइक पे शूट किया हुआ है। और बाय द वे ये मैंने ब्लू आर्मर का नया माउंट लगाया है, तो एंगल कैसा बैठ रहा है वो भी देखना है। यहाँ से मैं पहले जाने वाला हूँ उल्वे में हार्दिक से मिलूंगा, फिर वहाँ से हम लोग दोनों निकलेंगे आगे के लिए। और आगे एक और ख़ास मेहमान हमसे जुड़ने वाले हैं, तो व्लॉग में आगे बने रहिए, अभी म्यूज़िक को एन्जॉय करिए। इस रोड पे मैं जब भी आता हूँ यार, ये रोड एक अलग ही एक्सपीरियंस देता है, मज़ा आता है यहाँ पे बाइक चलाने में। तो ये उरन वाले रास्ते से मैं जा रहा हूँ, यहाँ पे हार्दिक का घर है, पहले वहाँ पे उसको मिलना है। और यहाँ का मौसम एज़ कम्पेयर टू मुंबई कुछ ज़्यादा ही ठंडा है, आप देख सकते हो थोड़ा थोड़ा फॉग यहाँ पे है और सनराइज भी हो चुका है, पर यहाँ पे ज़रा ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। और एक तो हार्दिक मिल गया है। हेलमेट पेन, हेलमेट पेन। प्रॉब्लम क्या है कि उसके हेलमेट का वाइजर टूट चुका है और हेलमेट पहनने का तकलीफ ज़्यादा है। हाँ, हेलमेट पहनने से उसको ज़्यादा तकलीफ होने वाला है, बट स्टिल हेलमेट पहन यार अच्छा नहीं है। इसका इसका फाइन लगाओ, इसका नंबर क्या है, गाड़ी का नंबर क्या दे रहे? यहाँ तो अलग ही ठंड लग रही है यार, मतलब पूरा वेदर एकदम फॉगी हो गया है, चिल्ड माहौल है, टेम्परेचर भी ऑलमोस्ट 24°C है। वाओ, तो जहाँ हम लोग जा रहे हैं उसके लिए अभी और 37 किलोमीटर्स है, पहुँच जाएंगे। ये यार मेरा पंक्चुअलिटी का कुछ करना पड़ेगा, मैं हर बार लेट करता हूँ, कोई भी प्रोग्राम हो या कोई भी इवेंट या कोई भी राइड हो, लेट सबसे ज़्यादा मैं ही करता हूँ। रेस लगाएगा, हार जाएगा। कितना प्यारा वेदर हुआ है यार, यहाँ पे एक भी बिल्डिंग दिखाई नहीं दे रहा ड्यू टू फॉग, और यहाँ पे एक माउंटेन है वो भी ढक गया है फॉग में, और रोड भी देखो, ओहो, क्रूज करने के लिए इतना मज़ा आ रहा है ना यहाँ पे। आई थिंक ठंडी शुरू हो चुकी है, इट्स 8:15 इन द मॉर्निंग, धूप नहीं है, प्यारा प्यारा सा वेदर है, ऐसे प्यारे प्यारे वेदर में एक मस्त करारी चाय मिल जाए तो क्या ही मज़ा है। पर करारी चाय पीने के लिए अगर रुकूंगा ना, तो जो तीसरा बंदा वहाँ पे रुका है हमारे लिए, वो हमारा पानी निकाल देगा। एक्चुअली मुंबई का मौसम अभी इस पॉइंट पे ऐसा हो गया है कि एक ही दिन में तीनों मौसम देखने मिल जाते हैं, सुबह में ठंडी, दोपहर में गर्मी और शाम को
रोज शाम को 4:30 से 5 बजे के बीच में बहुत तेज बारिश होती है और ये 3-4 दिन से सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है, नेचर विद इट्स सरप्राइजेस। तो सैटरडे का टाइम है और बहुत सारे राइडर्स निकले हैं ब्रेकफास्ट राइड के लिए या फिर कहीं आउट स्टेशन जाने के लिए। अच्छा है यार, जिंदगी जियो। ये ब्लू आर्मर का जो मैंने माउंट लगाया है इसके वजह से गोप्रो थोड़ा नीचे आ गया है। आई एम नॉट श्योर कि एंगल किस तरह का बैठा है, क्योंकि जब से मैं निकला हूँ घर से तब से मैंने बाइक रुका के एक भी फुटेज चेक नहीं किया है, तो वो भी चेक करना है। बट अभी टाइम नहीं है, डायरेक्टली हम लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए जब रुकेंगे तो वहाँ पे चेक करूंगा मैं। तो अभी 1500 किलोमीटर हो चुके हैं सक्सेसफुली अपने एक्सपल्स के ऊपर। एक चीज में करना सुबह भूल गया था, यहाँ आने से पहले बाइक का चेन ल्यूबिंग कराना था मुझे, और ये घाई गड़बड़ में मैं सब भूल गया क्योंकि मैं उठा इतना लेट। ऑब्वियसली मैं रात को लेट ही सोया था बिकॉज शिफ्ट मेरी 2:30 बजे तक खत्म होती है। मैं 2:30 बजे सोया, मैंने 5 बजे का अलार्म भी लगाया था बट अलार्म बजा। बट बॉडी का एक रिफ्लेक्स एक्शन होता है कि वो हर रोज जो चीज करता है तो उसी को फॉलो करता है। तो मुझे ऐसा लगा कि 5 बजे का अलार्म नहीं, वो 9 बजे वाला आता था, मैं जो रेगुलरली मैं जो टाइम पे उठता हूँ। तो मैंने बंद कर दिया अलार्म, वो मैं सो गया। मुझे फिर आया फोन हार्दिक का कि भाई क्या है, तू है किधर, पहुंचा है कि नहीं, जबकि मैंने उसको टाइम दिया था कि मैं 6 बजे तेरे बिल्डिंग के यहाँ पे पहुंचने वाला हूँ। तो ये सब गड़बड़ हुई है सुबह सुबह, और 7:20 को तो मैं घर से निकला हूँ अपने। तो आइडियली देखा जाए तो इसमें मेरा गलती नहीं है क्योंकि 3 घंटे नींद मिली है सिर्फ मुझे, 3 घंटे दैट्स इट। इसके आगे ही है तो ये जो ठाकरे होटल है ये काफ़ी फेमस है यहाँ पे, इसके आगे ही कहीं पे वड़ा एंड मिसल, आई थिंक यही है ना। हाँ यही है, वड़ा एंड मिसल। मिस्टर एंड मिसेस गायब कर दिए लोग ने मिस्टर एंड मिसेस उड़ा दिया, ओनली वड़ा एंड मिसल नाउ। अरे सब दुख रहा है अभी, ये देख देसी जुगाड़ देख ये बहुत काम का है, इतना हार्ड सीट था ना इसका, ये अभी तो भी इतना 1.5 इंच का लेयर है इसके ऊपर कुशन का, इसके जितना बुरा नहीं है ये। तो इसको बेच के ना 10 रुपए डाल के स्प्लेंडर खरीद तो पहुंच गए हम लोग मिस्टर एंड मिसेस मिसल, लेकिन इसका मिस्टर और मिसेस दोनों गायब है। यहाँ पे हमने बाइक्स पार्क किए, अंदर हमने ऑर्डर दे दिए है, अभी हम लोग वेट कर रहे हैं जो तीसरा बंदा आ रहा है, लेकिन लोगों को मालूम है तू यहाँ पे है, तो तू ऐसा बोल के चलेगा नहीं कि मैं इधर नहीं है, क्योंकि इसने ना दूसरे एक हमारा एक फ्रेंड सर्कल है उसको टांग दिया है इधर आने के लिए, वही होता है इधर आया मतलब टांग ही दे दिया ना, वापस घर पे जाएगा ना उधर क्या बड़ा प्लान, बड़ा प्लान था बड़े खर्चे वाला, मतलब नहीं रुकने का था। अच्छा फॉर्म हाउस पे दोस्तों, तो अभी अंदर बैठते ऑर्डर देते, चाय तो मैंने बोल दिया है पहले चाय पियेंगे, और कांदा भाजी मित्र राइट। तो चाय आ गई है, अपना ऑर्डर कभी आएगा, तो एकदम गरम गरम निकल के लेके आया भजिया भाई, भजिया और चाय खाएंगे, भजिया खाएंगे चाय पियेंगे, मैं उल्टा बोल रहा था ये काटना नहीं ये नहीं काटूंगा, जाओ आ जाओ। तो फाइनली जो तीसरा आदमी है, चौथा आ रहा है जो तीसरा है हमारे अतुल पांडे सर। पांडे जी बस बढ़िया, अरे मेरे को लगा पास में रहेगा, लंबा है। अरे तेरे लिए लंबा क्या होता है, ब्रेकर ब्रेकर तकलीफ ब्रेकर, हम लोग भी ये साइड से आए ना, तो ये रास्ता सही पड़ा, हम लोग उधर से आते ना, निकल लिया। आइए आइए आइए, आपका इंतजार है, निकल गया आगे तो निकल गया, आजू बाजू तो देखना चाहिए ना, और क्या बोलते हो। तो हमारे साथ है दीपक गटम व्लॉग्स, ये देख रहे हो सेटअप, और हमारे साथ है आरटीपी व्लॉग जल्दी आ चल फेसबुक में यूट्यूब पे, ये इसके साथ ही आता है, सोलगढ़ी आता है, सोलगढ़ी तेरे को फिश के इसमें मिलेगा, कहाँ से ये सोलगढ़ी थोड़ी है। हाँ ये जो यहाँ पे है ना, ये जो कलर मेरे ससुराल में मिलता है व्हाइट कलर का, तो मिसल आ चुका है और अभी हम लोग टूट पड़ने वाले हैं बिकॉज बहुत भूख लगी है ऑलरेडी। अभी टाइम हो रहा है 10 बजने आए यार, आएंगे कभी घर, घर कभी जाएंगे, तो पहले खा लेते हैं और उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो अभी हम लोग निकल रहे थे घर के लिए, पेमेंट वगैरह सब हो गया है, बट हम लोग जैसे ही पेमेंट करने जा रहे थे तो यहाँ के जो ओनर है उन्होंने हमको देखा, उनको मैं दिख रहा हूँ ना इसमें, उन्होंने हमको देखा कि हम लोग प्रॉपर ऐसा ब्लॉगिंग सेटअप में आए हैं और जैकेट वगैरह पहन के, तो उन्होंने ये रेकमेंड किया है वड़ा पाव यहाँ का। इसका खास बात क्या, ये चटनी जो है ये स्पेशल चटनी, तीनों की तीनों चटनी,
ये अभी मैं ट्राई कर रहा हूँ और इनके रिकमेंडेशन पे ये टेस्ट करके देखते हैं अभी। सीरियसली बहुत अच्छा है। तो अभी मैं यहाँ के ओनर से आप लोगों को मिलाता हूँ, पहले खा लेता हूँ फिर उनसे मिलाता हूँ। यहाँ के जो ओनर है इन्होंने हमको बोला कि आप यहाँ का वड़ा ट्राई कीजिए, क्योंकि लिटरली यहाँ का वड़ा इतना फेमस है और इनकी जो स्पेशलिटी है वो चटनी। तो हम लोग ने ट्राई किया जैसा कि आपको वीडियो में मैंने दिखाया, और इनके यहाँ पे जो स्पेशल आइटम मिलते हैं वो है गावरन मिसल। लोग जाते हैं लोनावला, लोग जाते हैं खोपोली, तो आप ये जगह पे एक बार ज़रूर आइए। मैं एड्रेस लिंक जो भी है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, तो डू चेक आउट। सर थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस। तो और यहाँ की चाय, जो लोग मुझे जानते हैं तो मैं चाय लवर हूँ, आप लोगों को पता ही है, तो यहाँ पे आके चाय ज़रूर पीना मेरी रिकमेंडेशन पे। तो मेरे नाम से अगर कोई यहाँ पे आएगा तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ डिस्काउंट सर देंगे, तो डू चेक आउट। तो चले अभी? हाँ चले, तो उधर ही तो अभी हम लोग निकलने वाले हैं यहाँ से। मेरे GoPro की बैटरी 27% हो चुकी है। हाय नेहा, वेलकम टू माय व्लॉग। लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। इसका ड्रोन कभी नहीं चलता है, लास्ट वाले वीडियो में भी ये नहीं चला था, क्योंकि अगर ये ड्रोन चल गया ना तो ये जगह का हम लोग आपको एरियल व्यू देंगे। चलेगा ना? पता नहीं। One eternity later. तो अगर ये ड्रोन आज नहीं चलेगा ना, नहीं चलेगा लग रहा है, तो जैसा कि आप लोग देख रहे हो कि ड्रोन नहीं चलने वाला है, और इसको हम लोग बेच के 10 रुपए एक्स्ट्रा डाल के 2 कटिंग चाय पी लेंगे। अतुल तू बॉर्न हीरो है यार, तेरे को दाढ़ी वीडी बनाने का जरूरत थोड़ी है। कुछ पापा 1000 सब्सक्राइबर जल्दी कर दो, पहले 1000 ना। तो ये यहाँ पे इनका किचन एरिया है और यहाँ पे सीटिंग एरिया है, अंदर भी सीटिंग एरिया, काफी बड़ा एरिया है और वॉशरूम्स क्लीन है एकदम। तो ये कॉपर के बर्तन में ये लोग खाना बनाते हैं, और जो भी है सामने एकदम क्लीन एंड टाइडी, नो मेस ओवर हियर। तो कैसा लगा आपको ब्रेकफास्ट, रहिए ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू अवर चैनल इफ यू न्यू। तो ऐसे वीडियोज में डालते रहता हूँ, मिलते हैं फिर अगले व्लॉग। कमेंट करो कि और राइड करें ये। अभी मैं लास्ट वीक बीमार था, ठीक है, मेरे बीमारी के बाद क्या है, वो देख आवाज देख मेरा, मैं बीमार था। तू तो यार तू ये नेक्स्ट लेवल है। मैं जो बीच में बोलता था वीडियो में कि अतुल के साथ राइड करना है, अतुल के साथ राइड करना है, तो ये है वो अतुल। अभी भी राइड नहीं है अपनी साथ, अभी ये राइड नहीं है इसके हिसाब से, ये मेरे लिए राइड हो गई है ब्रेकफास्ट राइड इसके हिसाब से। तो ये बाथरूम के लिए भी इतना दूरी नहीं चलता है, 20-25 किलोमीटर। तो करेंगे एक डेफिनेटली बड़ी राइड करेंगे, क्योंकि ये सब जो इतना तामझाम लिया है उसका यूज़ तो होना चाहिए कुछ। तो मिलते हैं फिर अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।